दोस्तों आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं कैसे आप लॉन्ग लाइफ यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद में आप उसको देख के कोई चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो उस पर ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाएंगे, या फिर काम भी करते हैं तो उसके ऊपर आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूट्यूब वीडियो में आपको बता तो दिया जाता है कैसे आप यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, बट ये नहीं बताया जाता कि आप यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका चैनल ग्रो भी होगा, सर्च में भी आएगा और आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने से पहले हम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहिए जिस कैटेगरी पे आप काम करना चाहते हैं। अब कैटेगरी कौन कौन सी होती है, आप पर्सनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फार्मिंग के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे बना सकते हैं, ब्यूटी पे बना सकते हैं, गेमिंग पे बना सकते हैं, एजुकेशन पे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है, यानी कि आपकी कैटेगरी जिस कैटेगरी पे आप काम करना चाहते हैं। अब कैटेगरी को वही सेलेक्ट कीजिएगा जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिस पर आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर ज़्यादा समय तक आप रिसर्च कर पाएंगे और रिसर्च करेंगे तो आप बेहतर वीडियो बना पाएंगे रिसर्च करने के बाद में। इसके बाद में आपको जो दूसरा काम करना है वो अपने कैटेगरी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट करना है और उनके नामों को आपको लिख लेना है आपकी डायरी में या फिर किसी पेज के ऊपर। तो उसको कैसे सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब को ओपन करना है, सर्च बार में जाना है और वहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर चैनल सर्च करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में कॉर्नर पे 3 डॉट मिलेंगे, उसके बाद में ऑल वाले जो ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको चैनल का ऑप्शन मिलेगा और उस पर फिल्टर अप्लाई कर देना। इतना करने के बाद में उससे रिलेटेड जितने चैनल होंगे आपको दिख जाएंगे, उसमें जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके नाम लिख लेना, ये आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब इसके बाद में इतना काम कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने कैटेगरी से रिलेटेड जिस पे भी आप चैनल बनाना चाहते हैं उसके ऊपर जो भी नाम आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं उन सारों को आपको लिख लेना है। जब आप उन सभी नामों को कैटेगरी वाइज लिख लेंगे अपने किसी डायरी में या फिर किसी पेज पे, उसके बाद में आपको एक काम करना है, आप उन सभी नामों को सर्च करना है यूट्यूब पे। वह उनको कैसे सर्च करना है, सेम तरीका, आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च बार में जाना है और उस नाम को सिलेक्ट करना है, आपको टाइप कर लेना है वहाँ पर और वहाँ पर सेम फिल्टर पे क्लिक करना है और वहाँ पर ऑल पर क्लिक करके चैनल को सिलेक्ट करना है। देखना है ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनको सर्च करने पर आपको कोई भी चैनल नहीं दिखाई देता, तो ऐसे जो भी नाम होंगे उनके आगे आपको टिक लगा लेना है और उन्हीं में से ही आपको उन चैनल को क्रिएट करने के लिए उन्हीं नाम का यूज़ करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक आपके लिए यूनिक होगा, यूट्यूब पे वो नाम होंगे नहीं, तो अगर उन नाम को अगर सर्च किया जाएगा, उन कीवर्ड्स को सर्च किया जाएगा तो आपका चैनल जल्दी आपको शो करेगा आपके यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, रिकमेंडेशन में भी ज़्यादा जाएगा। और अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें तो वो अगर वो सर्च करेगा तो यूनिक होने की वजह से आपका चैनल सर्च में भी आएगा। यानी आपका फ़ायदा क्या है कि आपका चैनल एक सर्चेबल बन जाएगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है। अब वो पिक्चर कौन सी होगी वो आपको डिसाइड करना है, कि वहाँ पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं या फिर आप अपना कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहें तो पिक्सेल में जाके या जहाँ भी आपको जाके आपको जो फोटो एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो उसका यूज़ करते हुए आपको एक लोगो डिज़ाइन कर लेना है, या फिर आप अपनी पर्सनल फ़ोटो भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके बाद में चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर सीखते हैं अपने चैनल को क्रिएट करना। चैनल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन मिलती है आपको यूट्यूब की, उसके ऊपर टैप करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अगर आपने इसमें लॉगिन नहीं कर रखा होगा तो ऊपर आपको जहाँ पर आर लिखाई दिखा दे रहा है कॉर्निंग पे, वहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है जिससे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, यूअर चैनल का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर एक बार टैप करना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, पिक्चर पर क्लिक करना है और उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो हम जाएंगे गैलरी में और यहाँ पर जाने के बाद में हम अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। थोड़ी देर बाद देखेंगे फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब हम अपने चैनल का नेम लिखेंगे, तो आपको नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चैनल पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नेम आ सकता है, इसे आप कट कर देंगे और यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम जो आपने सोचा है काफ़ी रिसर्च करने के बाद में जिस नाम को आपने सेलेक्ट किया अपने चैनल के लिए उस नाम को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और आप कैसे टाइप करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फॉन्ट साइज कैसे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में आपको करना है क्या, ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे मिलता है क्रिएट चैनल का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ एक लोडिंग का ऑप्शन दिखेगा और उसके बाद में आपका चैनल है बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। अब आप इस चैनल पर काम कर सकते हैं, अभी आपका चैनल बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप इसके अबाउट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कब आपने इसे ज्वाइन किया और आपके चैनल का लिंक। तो इस तरीके से आप अगर चैनल क्रिएट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ यह चैनल आपको काफ़ी अच्छा ग्रो भी करेगा, काफ़ी जल्दी आप यहाँ पर वॉचटाइम को पूरा करते हुए अपने चैनल को मोनेटाइज भी करवा पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी चैनल क्रिएट करते हैं, गारंटी लेता हूँ
शुरुआत में नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद में आपका जो चैनल है ग्रो होने लग जाएगा, वो उस टाइम अच्छा होने लग जाएगा, आपकी वीडियो के ऊपर आपका चैनल सर्च में भी आने लग जाएगा। और अगर आपने अपने उस कॉन्टेंट उस पर अपलोड करते हो तो आप देखेंगे उसके ऊपर धीरे धीरे कुछ समय बाद में उस पर वॉच टाइम भी आने लगेगा और थोड़े समय के बाद में आप देखेंगे आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप इन पॉइंट का ध्यान में रखकर चैनल क्रिएट करेंगे तो कुछ समय बाद में आप देखेंगे आपका चैनल रन करने लग जाएगा यूट्यूब पर और अच्छे से आप कुछ दिनों बाद ही उसे मोनेटाइज करवा के अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिए अपना और बने रहिए यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जो आपको जिंदगी में सक्सेस करा सके।